गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8th चैप्टर पढ़ेंगे अब हम जीके का, थर्ड क्लास का। हम अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है 7th चैप्टर कराया था, आई होप आप सबने कर लिया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड जो बुक वर्क फिल था वो कराया था। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर 8th चैप्टर। तो जो 8th चैप्टर है जीके का, उसका नेम है स्पोर्ट्स लीजेंडरीज ऑफ इंडिया। इंडिया के स्पोर्ट्स खेलने वाले कुछ महात्मा लीजेंडरीज, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो स्पोर्ट्स खेलने वाले मैंस हैं उनके बारे में बताया गया है। स्पोर्ट्स यानी अलग अलग तरीके के गेम जो हमारे नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, जैसे कि आपस में कंट्रीज़ खेलती हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये सब हैं। ये आपस में क्या करती हैं, कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से स्पोर्ट खेलती हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे स्पोर्ट्स, जो गेम होते हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, आपने बॉक्सिंग देखा है, क्रिकेट देखा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे अब जो हैं कुछ हमारे ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपके चैप्टर में, ये हमारे कुछ स्पोर्टमैन हैं, तो इनके बारे में हमें इनकी पिक्चर देखनी है एंड इनके नेम हमें बताने हैं कि जो ये पिक्चर दी हुई हैं इनके नेम क्या हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है, ऊपर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट है क्रिकेट, यानी जो ये वाले प्लेयर हैं फर्स्ट पे जो प्लेयर है वो क्रिकेट खेलते थे, यानी क्रिकेट की वजह से वो फेमस हैं। जो हमारे इनमें से जो जिस चीज़ के लिए फेमस हैं उनके लिए हमारा क्या है बताया गया है। तो यहाँ पे अब जो आपका फर्स्ट है वो है क्रिकेट, और ये जो आपकी पिक्चर दी हुई है वो क्रिकेट खेलने वाले मैन हैं, और इनका नेम क्या है अब हमें बताना है। बिलो द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द स्पोर्ट्स लीजेंडरीज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, आइडेंटिफाई देम, नेम देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है स्पोर्ट लीजेंडरीज की, जो स्पोर्ट खेलने वाले स्पोर्टमैन हैं, तो हमें यहाँ पे इनको देखना है। आपको एक चैप्टर निकालना है, अपनी बुक फिल करोगे आप हैंड टू हैंड मेरे साथ, और जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं इनके अंदर हमें इनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट में जो हमारे ये दिए हुए हैं, ये खेलते हैं हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं, यानी मैच जो हम इन्हें बोलते हैं, बैट बॉल जिनको हम बोलते हैं, वो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं। इनका नेम है सुनील गावस्कर, सुनील SUNIL, सुनील गावस्कर, GAVASKAR, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे फिल करोगे पेंसिल से। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड हमारे, जो ये आपको दिखाई देने हैं, ये हमारे हॉकी के प्लेयर, ठीक है। इनका नेम है ध्यानचंद, क्या है इनका नेम, DHYAN, ध्यानचंद, और इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोला जाता है। इनका निकनेम है ध्यानचंद का मैजिशियन ऑफ हॉकी, क्योंकि ये हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने टाइम में, जब ये हॉकी खेलते थे तो ये बहुत अच्छे प्लेयर थे हॉकी के। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिख रहे हैं थर्ड नंबर पे, वो है बॉक्सिंग के प्लेयर। ये बॉक्सिंग में इन्होंने मेडल्स जीते हैं, जो मेडल्स होते हैं हमारे फीफा विनर्स, मैंने फीफा जो मैच होता है एक फीफा, उसके अंदर इन्होंने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था, उसमें इन्होंने मेडल्स जीते हैं बहुत सारे। तो इनका नेम है विजेंदर सिंह, VIJENDER, विजेंदर SING, ठीक है। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, विजेंदर सिंह, इनका क्या नेम है, विजेंदर सिंह, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, जो आपको ये नेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, ये हैं साइकिलिंग के, यानी इन्होंने जब साइकिलिंग में इन्होंने अपना जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये बहुत फास्ट साइकिलिंग करते थे और कुछ ही मिनटों में बहुत मीटर की जो है, काफ़ी मीटर्स की साइकिलिंग क्रॉस कर देते थे। तो इनका नेम है फोस्टो कॉपी, क्या नेम है इनका, फोस्टो FAUSTO, फोस्टो COPPI, ठीक है। अब इसको फोस्टो कॉपी आपने यहाँ पे फिल करना है। एंड नंबर फिफ्थ जो आपको ये फीमेल प्लेयर दिखाई देनी है, इनका नेम है सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस की प्लेयर हैं, क्या खेलती हैं सानिया मिर्ज़ा, टेनिस, यहाँ क्या फिल करेंगे हम, SANIA, सानिया MIRZA, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, जो ये प्लेयर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे शूटिंग के हैं, इन्होंने भी बहुत सारे मेडल्स हमारे जीते हैं। सानिया मिर्ज़ा जो हैं ये भी, इन्होंने भी टेनिस से बहुत ज़्यादा नाम कमाया है अपना, न्यूज़ में भी आते रहते हैं ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट हैं, अब नेक्स्ट है हमारे जो ये हैं शूटिंग के प्लेयर, इनका नेम है
राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आर ए जे वाई ए वी ए आर डी एच ए एन, राज्यवर्धन आर ए जे वाई ए आर डी एच ए एन राज्यवर्धन सिंह एस आई एन जी एच सिंह आर ए टी एच ओ आर ई राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, ये इनका नेम है। नेक्स्ट है हमारे जो सेवन्थ हैं वो रेसलिंग के प्लेयर हैं, इन्होंने भी बहुत सारे मेडल इंडिया को ला के दिए हैं, तो उनका नेम है योगेश्वर दत्त, वाई ओ जी ई एस एच डब्ल्यू ए आर योगेश्वर डी यू डबल टी योगेश्वर दत्त, ठीक है, क्या नेम है इनका, योगेश्वर दत्त। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे चेस के प्लेयर हैं, तो इनका नेम है विश्वनाथ आनंद, वी आई एस एच डब्ल्यू ए एन ए टी एच विश्वनाथ ए एन ए एन डी विश्वनाथ आनंद। तो इन सबको आपको फिल करना है अपनी बुक में, जैसे मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको आंसर बताऊंगी, आपको आंसर नोटबुक में लेके बताऊंगी, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में, जो जीके की नोटबुक आपने बनाई हुई है उसके अंदर आपको इनके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर डालकर ऊपर, एंड चैप्टर का नेम लिखोगे आप, फिर वहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन डालना है और लिखना है हु वॉज दी फर्स्ट वूमेन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से देखिए बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वूमेन टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, कौन सी हमारी पहली वूमेन थी जो कि माउंटेन के ऊपर, जो माउंट एवरेस्ट जो है पहाड़ की चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर जो पहली बार पहुँची थी उसके टॉप में, उसकी चोटा ऊंचाई पे, उसकी चोटी पे, तो उनका नेम था, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर वन जो आपको दिया हुआ है बुक में वो आपको ने लिखना है। अब आंसर है इसका जुंको, जे यू एन के ओ जुंको तबाई, टी ए बी ई आई तबाई, जुनको तबाई, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखोगे, फर्स्ट के आंसर में आप जुनको तबाई। अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बुक में से लिखने हैं, मैं आपको बताती हूँ बार बार। सेकंड क्वेश्चन है, साइना नेहवाल इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट, जो साइना नेहवाल हैं ऊपर जो हैं वो तो हैं सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल जो हैं, साइना नेहवाल वो कौन से गेम के लिए जो हैं फेमस हैं, कौन से स्पोर्ट वो खेलती हैं, तो साइना नेहवाल खेलती हैं बैडमिंटन। क्या लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले हम उतार लेंगे वहाँ से, उसके आंसर में लिखेंगे हम बैडमिंटन, क्या लिखेंगे, बी ए डी एम आई एन टी ओ एन, क्या लिखोगे आप, बैडमिंटन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हो गया ये, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है, Who won the Hockey Indian Player of the Year Award 2016 का जो Hockey Indian Player Award था वो किसने जीता था, वो जीता था एस वी सुनील, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको उतारने हैं, आंसर मैं आपको बताती हूँ, एस वी एस यू एन आई एल सुनील, ठीक है, क्या फिल करने हैं, एस वी सुनील, इसको आंसर लिखेंगे हम। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन बॉक्सर टू गेट अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम, हमारी वूमेन बॉक्सर यानी जो लेडी थी जो बॉक्सिंग करती थी उनका नेम क्या था जिन्होंने एशियन गेम में पहली बार मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर इज मैरी कॉम, एम ए आर वाई मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में मेडल जीते थे। तो अभी आपके क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, ठीक
ठीक है। अब होमवर्क में आपको जो मैंने क्लास वर्क कराया है, बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं नोटबुक में लिखने के बाद आपको उनके लर्न भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 8।